बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे बच्चों, फ्रेंड्स, दोस्तों के जानिब से शफीक और अमन आपसे मुखातिब हों। आज के सबक के अंदर हम सिक्स क्लास के इस्लामियात पढ़ेंगे। बेटा, जो पिछला सबक पढ़ा था नमाज जनाजा क्या चीज़ है और उसके अहमियत, नमाज जनाजे की अहमियत के बारे में। नमाज जनाजा और मैयत किसे कहते हैं? दीन इस्लाम में नमाज जनाजे का हुक्म क्या है? इसके बारे में पढ़ा था कि नमाज जनाजा मैयत के लिए मगफरत की इज्तिमाई दुआ है। नमाज जनाजा मैयत के लिए मगफरत की इज्तिमाई दुआ है। दीन इस्लाम में हुक्म क्या है नमाज जनाजे के बारे में? दीन इस्लाम में हुक्म है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज जनाजा में शिरकत करें। मैयत किसे कहते हैं? फौत होने वाला शख्स मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, मैयत कहलाता है। फिर मैयत को क्या करते हैं? मैयत को इस्लामी तरीके के मुताबिक गुस्ल देकर कफन पहनाते हैं। इस्लामी तरीके के मुताबिक गुस्ल देकर कफन पहनाया जाता है। गुस्ल के तीन फर्ज हैं। गुस्ल के फर्ज तीन हैं। नंबर एक, कुल्ली करना, यानी पानी को गले तक पहुंचाना। नंबर दो, नाक में पानी डालना, यानी नरम हड्डी तक पानी का पहुंचाना। नंबर तीन, पूरे जिस्म पर पानी बहाना, जिस्म का कोई एक वाल के बराबर भी हिस्सा खुश्क न हो। और इस्लामी तरीके के मुताबिक मैयत को गुस्ल देकर कफन पहनाया जाता है। इस्लामी तरीका कौन सा? यानी हर सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देकर सबसे पहले मैयत को वुजू कराया जाता है, और पूरा वुजू कराने के बाद फिर दाईं तरफ से शुरू करते हैं गुस्ल, पूरा करके कफन पहनाया जाता है। फिर कफन के अंदर, मर्द के कफन में तीन कपड़े होते हैं, औरत के कफन में पांच कपड़े होते हैं। नमाज जनाजा अगरचे सब मुसलमानों पर फर्ज है, लेकिन अगर कुछ लोग भी अदा कर लें, नमाज जनाजा सब लोगों पर फर्ज है, अगर कुछ लोग भी अदा कर लें तो बाकी लोगों को मुआफ हो जाती है। इस्लाम में ऐसे फर्ज को फर्ज किफाया कहते हैं। फर्ज किफाया, कफन पहनाने के बाद मैयत के लिए नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। कफन पहनाने के बाद मैयत के लिए नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, और फिर मैयत को एहतराम के साथ दफन किया जाता है। मैयत के लिए नमाज जनाजा का तरीका क्या है? नमाज जनाजा जमात की सूरत में अदा की जाती है। नमाज जनाजा जमात की सूरत में अदा की जाती है। सब लोग इमाम के पीछे किबला रुख खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। फिर नमाज जनाजा की तकबीरें कही जाती हैं, जिनमें सना, दुरूद पाक और मैयत की मगफरत के लिए दुआ करके सलाम फेरा जाता है। सबसे पहले नमाज जनाजा की नियत, मनियत अदा करता हूं चार तकबीर नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद आप सल्लम की जात के लिए, दुआ वास्ते इस हाजिर मैयत के, पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर, ये हर तकबीर एक रकात के कायम मकाम है। यानी नमाज जनाजे की चारे तकबीरें फर्ज हैं। हर एक तकबीर हर एक रकात के कायम मकाम है। जिस तरह अगर कोई आदमी नमाज जनाजे में शरीक होता है, कुछ चंद तकबीरें रह जाए, मसलन एक, दो या तीन तकबीरें रह जाए, तो जिस तरह नमाज के अंदर सलाम फेरने के बाद
बकिया नमाज पूरी करता है, इसी तरह बकिया तकबीरें भी पूरी करना होगी। मसलन दो तकबीरें रह गई, तो जब इमाम सलाम फेरता है, सलाम फेरने के बाद जुबान से दुआ वगैरह नहीं पढ़नी, पढ़ना कुछ नहीं, तकबीरें कहना जरूरी है, अल्लाह अकबर कहकर सलाम दे दे, जितनी भी तकबीरें रह जाए, क्योंकि ये तकबीरें फर्ज हैं। और पहली तकबीर के अंदर सना पढ़ा जाता है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अगर ये दुर सना याद न हो, नमाज जनाजे वाला सना याद न हो, तो नमाज वाला सना पढ़ना बेहतर है और खामोश रहना बेहतर नहीं। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, जब ही इमाम कहेगा तो मुक्तदी पीछे वाले भी अल्लाहु अकबर, जुबान से ये तकबीर कहना फर्ज है, अल्लाहु अकबर कहें। अल्लाहु अकबर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, पहली तकबीर के बाद सना वो अल्लाह ताला के लिए, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक जी आप सल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर किसी को ये नमाज जनाजे वाला दुरूद याद न हो, तो नमाज वाला यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना जरूरी है, खामोश रहना बेहतर नहीं। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहने के बाद दुआ, अगर बालिग मर्द हो, औरत हो, तो उसके लिए दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली हज्जना व मस्जिदना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहजैतहु मिन्ना फाहजी अलल इस्लाम व मन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान। फिर चौथी तकबीर अल्लाह अकबर कहकर सलाम फेरा जाता है, ये तो है बड़ा बाले मर्द औरत के लिए। अगर छोटा बच्चा मासूम बच्चा है या बच्ची है, उनकी दुआ अलग है। तीसरी तकबीर के बाद इन अल्लाह अकबर कहने के बाद अगर है बच्चा मासूम छोटा बच्चा है, तो उसके लिए दुआ अलग है, अल्लाहुम्मा जाल होलाना फरातम व जाल होलाना अजरम व जुखरम व जाल होलाना शाफियाँ व मुशफ़ा। फिर चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा जाता है। इसी तरह अगर छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची के लिए तीसरी तकबीर के बाद उसकी दुआ अलग है, अल्लाहुम्मा जाल हालना फरातम व जाल हालना अजरम व जुखरम व जाल हालना शाफियाँ व मुशफ़ा। फिर चौथी तकबीर के अगर सलाम फेरा जाता है, ये है नमाज जनाजे का तरीका। आगे नमाज जनाजे के दीन के अंदर और मुआशरे के अंदर अहमियत क्या है। नमाज जनाजा एक अहम इबादत है जिसका अजर और सवाब बहुत ज्यादा है। नमाज जनाजा ये जाहिर करती है कि मुसलमान न सिर्फ इंतकाल करने वालों की दुआ मगफरत में, बल्कि गमजदा साथियों के दुख सुख में भी बराबर के शरीक हैं। नमाज जनाजा अदा करने से मुसलमानों में मैयत के वारसों से हमदर्दी का एहसास पैदा होता है, बाहमी गम के सारे से दूसरों के दुख में शिरकत और उनके दिलजोई से दिल को सुकून मिलता है। नमाज जनाजा मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद की अलामत है, इससे आखिरत पर ईमान भी पुख्ता होता है और आमाल के जवाबदेही का एहसास जिंदा होता है। यानी मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, कब्र के अंदर भी कब्र के जजा सजा महबूब कायनात जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कब्र जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ है। इसलिए फरमाया इस कब्र की तैयारी इस दुनिया के अंदर करनी चाहिए ताकि कब्र जन्नत का बाग बन जाए। तो इसलिए फरमाया आखरत पर ईमान पुख्ता होता है और अमाल के जवाबदेही का एहसास जिंदा होता है, पता चलता है कि मैंने भी जाना है। जिस तरह आज इसका नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं, जिस तरह इसको
तजहीजों तक फेर करके दफना रहे हैं। इसी तरह कल हमने भी जाना है। हर इंसान को इसी तरह का एहसास जिंदा होता है। तो ये था बेटा आज का सबक, नमाज जनाजे की अहमियत, मुआशरे के अंदर अहमियत क्या है, दीन के अंदर अहमियत क्या है, नमाज जनाजे का तरीका क्या है। बेटा सबक को इस तरह याद करें कि ये नमाज जनाजा इस्लामियात का जो सबक है, दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका फायदा है। दुनिया में भी दीन के साथ इंसान की नस्बत होती है, दुनिया के साथ भी इंसान की जिंदगी दुनिया भी अच्छी होती है, और आखिरत की कब्र की जिंदगी भी और आखिरत कब्र से उठने के बाद भी जिंदगी अच्छी होती है। मसलन अगर नमाज मसलन ये सबक जो पढ़ा है नमाज जनाजे का तरीका, इसके अंदर दुआएं हैं, सलाह है, दुरूद पाक है। अगर आप किसी अपने रिश्तेदार मसलन वालदैन चाचा मामा कोई अपना करीबी रिश्तेदार है उसके नमाज जनाजे में शरीक हो और आज वो सना ना आए, अगर सना आता है तो दुरूद पाक ना आए, दुरूद याद है तो दुआ याद ना हो, इसी तरह उसका मैयत का हक अदा ना हुआ, अपनी मैयत अपने वालिद के सामने वालिद के जनाजे में खड़ा है, वालदा के जनाजे पे खड़ा है लेकिन दुआ याद नहीं, क्या वालदा का हक अदा नहीं होगा? जब वालदा का हक अदा नहीं बेटा है, बेटा जब इसका अपने वालिद का या वालदा का हक अदा नहीं कर रहा, इसी तरह आगे फिर इसने भी मरना है, मरने के बाद फिर इसके जनाजे में भी इसी तरह के लोग खड़े होंगे जिस तरह बिरादरी वाले लोग, कि बिरादरी टूट ना जाए, रिश्तेदारी टूट ना जाए। लोग कहेंगे फला रिश्तेदार है, चाचा है, मामा है, आया नहीं, बेटा है, वालिद है, आया नहीं, इसलिए तो खड़े होते हैं। तो बेटा ताकि हमारे भी जनाजे के अंदर इस तरह के लोग शामिल ना हों, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए आखिरत को सामने रखते होने वाले बच्चे रखने वाले लोग शामिल हों। तो इसी तरह यह सबक है नमाज जनाजे का, तो इसको भी याद करना है। कल के सबक के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है हज की अहमियत, हज की फरीजा, हज वाला, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप पहले भी सबक याद करते होंगे, अब भी याद सबक याद करेंगे और इसको दुनिया और आखिरत के फवायद के सामने रखते हुए याद करेंगे। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।